हेलो फ्रेंड्स, शाम का वक्त है और हम लोग खाने जा रहे हैं बर्गर। थोड़ा नेचर को संभाल के रखा, पेड़ पौधा है। इतना शौक है। चलिए। ओ फ्रेंड्स, देखिए कितना अच्छा मौसम है और हम लोग निकले हैं बाहर और इतना अच्छा लग रहा है ना फ्रेंड्स शाम को। और देखिए गाइस कितनी अच्छी हवा चल रही है और सब इधर बैठे हुए हैं। मम्मी भी उधर टहल रही है हरीम को, बाबू को लेके, हरीम बुढ़िया के पास है। बहुत अच्छा लग रहा है। तो चाय रास्ते पे, चाय तो इमोशनल हो रहा है। ये पैसा नहीं ले रहा, 100 रुपीज़ देती हूँ रास्ते में हमेशा चाय के लिए, चाय वाय पिएगा। और ये पैसा किसी गरीब के लिए, लो। मैं फिर से चाय पी रही हूँ, बहुत ज्यादा चाय पीने का दिल चाह रहा था इसलिए। तो तब तक शारिक जा रहा है, फाइनली आ जाएगा दिस दिन में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। Again waxing day for Babu. हाँ तो फ्रेंड्स, ये है वानिया और आज इसका बर्थडे और हम लोग उसका बर्थडे जा रहे हैं सेलिब्रेट करने, उसको उसका केक काटने जा रहे हैं। ये जो वानिया है उसको समझ लीजिए, वो बिल्कुल हमारे घर की है। अब एकदम छोटे से वो हमारे पास ट्यूशन पढ़ने आती है, तो जब भी उसका बर्थडे होता है तो उसका सेलिब्रेशन हम लोग को बहुत अच्छा लगता है। तो लेट्स सेलिब्रेट वानियाज बर्थडे। इट्स वानियाज बर्थडे केक। वाओ, इट्स वेरी नाइस केक, बहुत प्यारा केक लग रहा है। और गुड़िया बलून फुला रही है। इसको भी बैठा दो। सब वीडियो ये वाले। तुम 2 साल की हो? नहीं, हैप्पी बर्थडे टू यू। चलो ये दादी को भी खिला दो। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो बहुत दिनों से मैं व्लॉग की शूटिंग नहीं कर पा रही हूँ। आप समझ ही सकते हैं कि क्यों नहीं हो पा रही शूटिंग। वो बस इसलिए कि बेबी अभी बहुत छोटा है। देखिए गाइस, वो अभी यहाँ पर दुपट्टा वोपट्टा ओढ़ के सो रहा है। फेस तो नहीं दिखा पा रही हूँ, पर देखिए तो बस उसी में बिजी रहती 24 घंटा। रात को सोता नहीं है जल्दी, तो इसलिए व्लॉग की शूटिंग नहीं हो पा रही है। तो प्लीज़ आप लोग नाराज़ ना हो जाइए और मेरे चैनल को ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा। इंशाल्लाह जल्दी ही मैं अच्छे अच्छे व्लॉग्स डालूंगी। बच्चे ये देखिए फ्रेंड्स, ये बाबू के लिए लेकर आए हैं ये नाइट सूट, मतलब ट्राउज़र टी शर्ट मैंने मंगवाया था नाइट सूट के लिए, पर ये इस तरह का लेकर आया है। तो ये तो दिन में भी पहन सकता है गाइस। ये है एक गर्म, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है तो मैंने सोचा कि थोड़ा इसका, क्योंकि सारे कपड़े इसके हाफ थे, फुल स्लीव का नहीं था, बहुत कम था, लिया ही नहीं था फुल स्लीव अभी तक, क्योंकि गर्मी में पैदा हुआ है।
सो ये अभी लेकर आए, बहुत प्यारा सा है, और फिर और सारा मंगवाओगे, अभी दो ही लेकर आए हैं। कौन नाम से ये खा रहे हैं हम लोग चाय बिस्किट सुबह सुबह, मैं खा रही हूँ सुबह सुबह एक पूरी भी खा रही हूँ और ये चाय बिस्किट खा रहे हैं बहुत दिन बाद। तो फ्रेंड्स आ गए डॉक्टर के पास, फ्रेंड्स मैं आ गई थी हॉस्पिटल क्योंकि थोड़ा सीने में दर्द चल रहा था यार, तो सोचा आज के थोड़ा ईसीजी वगैरह कुछ करवा लूँ, कई दिनों से हो रहा था लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ऐसी कोई बात है नहीं। मैं यहाँ पर आई थी डॉक्टर काफिल अहमद के पास, ओके मतलब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र कुछ नहीं है, बस कहा है उन्होंने कि टाइम पे खाना वाना खाइए और स्ट्रेस थोड़ा कम लेने के लिए। और ये मैं आपको दिखाने वाली एक कार जिसका नाम है थार, बहुत अच्छी लगी ये गाड़ी मुझे, ऐसे तो बहुतों के पास है पर अभी इधर बहुत कम हमारी तरफ कम ही मिलती है, मेरे तो ये डॉक्टर साहब की गाड़ी है, मैं सोचा आपको भी थार दिखा दूँ थार कैसी होती है, तो देख लीजिए जिसने भी थार नहीं देखी होगी वो थार देख लो। अब वो अंदर दवा ले रहा है तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा वीडियो बना के आप लोगों को अपडेट कर दूँगा। ये बहुत ही अच्छा क्लिनिक है और ये डॉक्टर है वो MBBS है, देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर लिखा भी हुआ है, तो चाहिए तो जब भी अगर देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है इमरजेंसी में सेवा भी है और रात्रि सेवा मतलब नाइट में भी ये ड्यूटी देते हैं। यहाँ पर नंबर है जब भी रात में कभी इमरजेंसी हो तो यहाँ आ सकते हैं। ये एक न्यू डॉक्टर है मतलब हमको लगता है कि 2 साल हुआ होगा मेरे खास, तो खैर न्यू डॉक्टर है लेकिन बहुत अच्छा बिहेव है, बहुत अच्छा बिहेव करते हैं और मतलब इनके स्टाफ भी बहुत अच्छे हैं और मैं पूरी तरह से सेटिस्फाइड होती हूँ यहाँ पर आती हूँ, तो मतलब ऐसा लगता है कि हाँ भाई अच्छे से देखा है। ठीक है तो ये राबिया इमरजेंसी हॉस्पिटल है 24/7 और ये यहाँ चमड़ा मंडी में है, जो सफायर इन होटल है ना, होटल सफायर इन के जस्ट बगल में एक ज़मीन खाली है और उसके बाद है। ठीक है तो आपको कभी भी इमरजेंसी हो तो यहाँ पर आप आ सकते हैं इजीली, और सामने जस्ट एक मस्जिद है मस्जिद। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं लॉट्स ऑफ पिलोज ऑन माय बेड, देखिए गाइस, और ये अभी देखिए बाबू बिल्कुल चार्ज है और एकदम फ्री है और कभी हल्का रो रहा है कभी कुछ, और ये नाइट ड्रेस में है अपने, और मतलब ये है कि 2:30 हो चुके हैं और इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा और ये अभी भी जग रहा है। और इसी यही वजह है कि मैंने बताया था ना कि मैं वो व्लॉग शूट नहीं कर पा रही हूँ, बना नहीं पा रही हूँ, बस इसी वजह से क्योंकि एकदम टाइम नहीं मिल पा रहा, रूटीन कोई सेट हो ही नहीं पा रही इसकी वजह से। और अभी ये 4 बजे तक जगेगा और जब ये सोएगा तो मुझे इतनी नींद आई मैं 10 बजे उठूँगी, तो गाइज़ इसीलिए कुछ कोई वीडियो अच्छी सी बन नहीं पा रही या फिर हम लोग कोई एक्टिविटी भी नहीं कर पा रहे, क्या करें कुछ समझ नहीं आ रहा, कहीं जा सक रहे ना आना है हो रहा है कुछ भी नहीं। अभी 4 मंथ का है, जब 6 मंथ का हो जाएगा आई थिंक तब इसकी रूटीन थोड़ी सेट हो पाएगी, तब जाके मैं कुछ कर पाऊँगी। मेरे पैर पे कैसे बैठ गया है अभी, कल ये पापा के पास अपने बैठा हुआ था और आज मेरे पास बैठा है, इसके पापा आए ही नहीं हैं क्योंकि उनको कुछ काम है मॉर्निंग में, तो उन्होंने कहा कि मैं सुबह निकल नहीं पाऊँगा। देखिए कैसे अपना पेट खोल रहा है, बेटा पेट नहीं खोलते ना, सो स्टॉप स्टॉप बेबी स्टॉप बेबी नो। तो गाइज़ अभी इस वीडियो में बस इतना ही, और मैं उम्मीद है मैं कोशिश करूँगी इंशाल्लाह कि अगला जो व्लॉग हो वो कुछ इंटरेस्टिंग बना सकूँ मैं आप लोगों के लिए। और वैसे भी कल से एक नया व्लॉग शुरू करूँगी इंशाल्लाह, कल मुझे अपने फ्लैट पर भी जाना है और वहाँ पर कुछ सफाई वफाई करवानी है, एक मतलब हेल्पर है उनसे कहा है मैंने कि टाइम से अगर आ जाएंगे तो कल उसकी कुछ अपने फ्लैट का भी कुछ चीज़ें दिखाऊँगी आप लोगों को, थोड़ी सी सफाई वफाई करवा के। ठीक है गाइस तो बने रहिएगा मेरे चैनल पे, और अगर आपको अपनी मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो उसको लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मैं और मोटिवेट होकर और अच्छी अच्छी वीडियो बना सकूँ आप तक ला सकूँ। तो इंशाल्लाह आप लोग मुस्कुराते रहिए हंसते रहिए और ऐसे ही मेरे वीडियोज़ को देखते रहिए। थैंक यू सो मच गाइज़।